तो सरकार होनी सरकार जानिया लेकिन गुरुद्वारा ते कब्जे असी कदे नहीं सुने। तुसीं देखो जो सुल्तानपुर है मैं किसी का कसूर नहीं कटना चाहवागा, चलो वो तो सू सिक्ख्या ले लेनी चाहिए आ। अब बावे वाला गुरद्वारा, बावे वाले गुरद्वारे के साडे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन इंडियन है, और यारो तू जे एक जिम्मेवारी मिल गई आ तुम संतुष्ट हो। गुरुद्वारे च कई किस्म के आरोप है, मैं उन्होंने नहीं पैना चाहता, लेकिन गुरुद्वारे इदा कब्जा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और प्रशासन की तारीफ करांगा कि उन्होंने उत्थे 45 लाती अमन शांति आ, लेकिन की गुरुद्वारों च 45 हल है? गुरुद्वारे लोगों की आस्था जुड़ी होंगी आ, बाबा बरादरी की आस्था उस गुरुद्वारे नाल जुड़ी है। हाँ जी, अज साडे कपूरथले दे MLA साहब ने जिहड़ा मेरे ते इल्जाम लगाया कि ये गुरु घर दे विच कब्जे दवारिया, तो मैं इत्थे कहना नूं गल कहनी चाहना कि पिछले तकरीबन हर वार दी इलैक्शन दे विच साडे जिहड़े कपूरथले दे लोग आ उन्होंने बड़ा मान धन दिता राणा साहब तुहानूं, तुहानूं हर वार उन्होंने कपूरथले तों जिताया। बट इस वार 2022 दी इलैक्शन दे विच जिहड़ा कह लो कि तुहानूं जिहड़ा हार दा मूंह देखना पिया, कपूरथले च लगभग 3000 वोट तों तुसीं हारे हो, यह जिहड़ी बुखलाहट है तुहाडे विच साफ साफ दिख रही है। और रही गल कब्जे की, यह काम जिहड़ियां पुरानियां रवायती पार्टियां तुहाडियां पार्टियां दे होणगे, कब्जे कराने ते कब्जे लैने यह जिहड़ियां तुहाडियां पार्टियां दे काम होणगे, ते आम आदमी पार्टी सरकार दे विच इत्थे कोई भी इहो जिहा काम नहीं हुंदा। ते जिथे तक गल रही गुरद्वारा साहब की, गुरद्वारा साहब दे विच जिहड़ा कह लो कि यह दो धिरां दा आपस दे विच झगड़ा हैगा आ, वह झगड़ा जिहड़ा मानयोग अदालत दे विच चलदा पिया, इन्हां दा आपसी केस चलदे पए ने। ते साडे जिहड़े DC साहब ने कपूरथला दे, उन्होंने 145 लगा के उदों तक इत्थे जिहड़ा हैगा शांति बहा जिहड़ी रखण दे लई इह जिहड़ा इत्थे 145 लगाई होई तां कि दो धिरां आपस दे विच ना लड़न। मानयोग अदालत दा जो भी इत्थे हुकम होएगा वह ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।